speak my truth or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder. Welcome back to my YouTube channel. I'm Sonya and you know me as a free bird. And now I'm going to one of the seven wonders of the world. And that is, you know already, that is Taj Mahal. So guys, hum hai abhi Yamuna Expressway par aur hame abhi jaane mein kam se kam 1.5 ghanta to lagega, hai na? Yes, 1.5 hour lagega abhi. 1.5 hour, okay? Yeah, okay. Okay. ओके तो अभी हमने एक टोल क्रॉस किया है. आई डोंट नो कहाँ का था. जेवर. ओके जेवर. जेवर का टोल क्रॉस किया जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है. पहाड़ी के पीछे दिख रहा है ताजमहल. ये तेरी पहली बार है. तो हम पहुंच गए हैं अपने ताजमहल और बहुत ही ज्यादा लोग आए हैं. स्लीपर के लिए कवर जाओ. स्लीपर अलाउड नहीं, पकड़ करके आना पड़ता है. 10-10 रुपीस का, आगे 20 का मिलेगा. लोग ये और नई कहानी है. देख लीजिए, कंपलसरी है सूट स्लीपर. बोल रहे हैं कि शूज स्लीपर लेके जाने पड़ेंगे. हम यहाँ खड़े होकर टिकट्स बुक कर रहे हैं. एक्चुअली हमें पता नहीं था कि ऑनलाइन टिकट बुक होगी, क्योंकि जब हम कल आए थे तब हमने काउंटर से ली थी और हम आए थे कल दिन के टाइम पर. तो अब ऐसा सिस्टम हो गया है, जब 15,000 ऑलरेडी ऑनलाइन बुक हो जाएंगे उसके बाद ये काउंटर खोलते हैं. और अब हम सुबह सुबह आए हैं तो काउंटर खुले नहीं है क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग चल रही है. तो अभी ये ऑनलाइन बुकिंग करने में व्यस्त है और यहाँ पे जैमर्स भी लगे हुए हैं तो इंटरनेट भी ढंग से काम नहीं कर रहा है. बहुत ही ज़्यादा बुकलोली कर दी गई है क्योंकि जैसे इसने मुझे बताया था ऐसा कुछ भी नहीं था. यहाँ पर कोई बुकिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था. आराम से सीधा जाओ, काउंटर पर टिकट मिल जाता था. अब तो बहुत ही सारी मसूड़ी करनी पड़ रही है. ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है यार? मेरे आने पे सारे रूल्स चेंज हो जाते हैं. गलत बात है. सिर्फ 3 घंटे के लिए वैलिड है. 3 घंटा तो बहुत है. तो हम आ गए हैं ताजमहल के अंदर और बिल्कुल भी ना, मतलब बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है यार. मैंने तो सोचा था कि थोड़ा खाली से मिल जाएगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो जाएगी. यहाँ तो एकदम ही भीड़ है. मेरे पीछे ताज, सुंदर, अति सुंदर. This is the guest house of Taj Mahal. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ construction होता रहता है, जैसा कि मुझे मेरे friend ने बताया. मैं तो पहली बार आई हूँ. और ये है guest house के सामने ताज का view. Man, such a beauty यार, seriously.
हे गाइस, अभी जस्ट अभी सोनिया फ्रीबर्ड के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। ये लो, पूछो आप उसी से क्या हुआ है, बताइए मैम। क्या बताओ? बताओ अभी क्या हुआ आपके साथ? मेरे ऊपर बहुत सारे बंदर चिपक गए और उन्होंने मेरा लहंगा खींच लिया। देखो गाइस, अभी दिखाते हैं। इतने सारे बंदर थे भी, मतलब सबने मिलकर अटैक किया इस पर। अभी सारे जा चुके हैं। बहुत सारा फोटो शूट हो गया हमारा, उसके पास काम आ गया, हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो हम आ गए हैं मेहताब बाग में। एक पॉइंट है ये, जहाँ पे ब्लैक ताजमहल बन रहा था, बट वो नहीं बन पाया। आप लोगों को पता ही होगा कि बंदी बना लिया गया था, समथिंग एंड ऑल। तो ओके, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड मेरी स्टोरी में या यहाँ की स्टोरी में। लेट मी शो यू, बताइए स्टोरियाँ। हाँ, वैसे मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, बट इसने बताई मुझे स्टोरी। देख के आप, ये है जो यहाँ बिल्कुल ताजमहल के सामने एक ब्लैक ताजमहल बनाया जा रहा था, बट शाहजहां को बंदी बना लिया गया तो ये काम हो नहीं पाया। ओके, तो हमने घूम लिया है ये मेहताब बाग। तो गाइस, अब हो गया हमारा आगरा का ट्रिप, देख लिया जो देखना था यहाँ पर। चलो वापस बैक टू दिल्ली, और अभी हम दूर हैं 3 घंटे अराउंड। चलिए, बाय बाय आगरा।